अक्षय की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज ने समय के साथ अपनी रफ्तार को तेज किया है। इस फिल्म ने पहले दिन यानी शुक्रवार को 10 करोड़ 70 लाख की कमाई के साथ शुरुआत की, लेकिन इसके बाद शनिवार को इस फिल्म ने 12 करोड़ 50 लाख कमाए। सूत्रों की माने तो अपने बिजनेस को बढ़ाते हुए इस फिल्म ने संडे यानी रविवार को 16 करोड़ रुपए की कमाई की है। हालांकि इस फिल्म को कमल हासन की विक्रम और अदिविशेष की मेजर का सामना करना पड़ रहा है और इसी वजह से शुरुआत में फिल्म का बिजनेस ठंडा रहा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे ये फिल्म रफ्तार पकड़ रही है। ये तो बात थी घरेलू बॉक्स ऑफिस की। बात करें इंटरनेशनल यानी ग्लोबल बॉक्स ऑफिस की तो इसमें विक्रम, मेजर और सम्राट पृथ्वीराज तीनों काफी चर्चा में हैं। लेकिन सभी के बीच कमल हासन की फिल्म विक्रम को लोग ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। फिल्म विक्रम को दर्शकों से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ये फिल्म केवल भारत में ही नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी दर्शकों के दिल को खूब जीत रही है। विक्रम के बाद जो पिक्चर लोगों को ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा पसंद आ रही है वो है अदिविशेष की मेजर। ऐसे में तीसरे नंबर पर खिसक जाती है अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज। फिल्म ट्रेंड एनालिस्ट रमेश बाला की माने तो अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर फिल्म विक्रम ने 4 मई को $5,000 यानी 3 करोड़ 88 लाख की कमाई की, वहीं मेजर ने अब तक 1 करोड़ 55 लाख की कमाई की है। अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट की बात करें तो इस फिल्म ने करोड़ का आंकड़ा भी नहीं छुआ है। फिल्म ने अभी तक तकरीबन 77 लाख की कमाई की है, जो कि उम्मीद से काफी कम है। गौरतलब है कि सम्राट पृथ्वीराज का प्रमोशन भले ही धमाकेदार किया हो, लेकिन इस फिल्म को अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा। हालांकि लोग इस फिल्म की कहानी और भारत के स्वर्ण इतिहास को सराह रहे हैं, लेकिन बात करें अक्षय की एक्टिंग की तो लोग उससे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत के स्वर्णिम इतिहास को देखने के लिए थिएटर्स की ओर रुक कर रहे हैं, लेकिन बात करें उन लोगों की जो वाकई फिल्म के दौरान एक रियल टैलेंट देखना पसंद करते हैं, उनके लिए अक्षय की ये फिल्म पहली चॉइस नहीं है। ये लोग सम्राट पृथ्वीराज देखने से पहले कमल हासन की विक्रम और अदिविशेष की मेजर देखना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इन लोगों के अलावा सम्राट पृथ्वीराज चौहान को हिट करने के पीछे एक और कारण आड़े आ रहा है और वो है फिल्म का हाई बजट। इस फिल्म को तकरीबन 300 करोड़ के बजट में बनाया गया है, जिसे रिकवर करना फिलहाल काफी मुश्किल लग रहा है। हालांकि इस फिल्म ने रविवार के साथ अपनी रफ्तार को तेज किया है, लेकिन ये रफ्तार फिल्म के पूरे बजट को रिकवर करने के लिए पूरी पड़ेगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को न केवल सेलिब्रिटीज बल्कि राजनेताओं से भी काफी सपोर्ट मिल रहा है। इन शब्दों का आम जनता पर कितना असर होता है ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। फिलहाल सम्राट पृथ्वीराज को लेकर लोगों की सोशल मीडिया पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिल रही हैं। ऐसे में फिल्म ट्रेंड एनालिस्ट के लिए फिल्म को हिट या फिर फ्लॉप बताना काफी मुश्किल लग रहा है। अब ट्रेंड एनालिस्ट और लोगों को वीकडेज का इंतजार है। वीकेंड पर किसी भी फिल्म के लिए बिजनेस कर पाना ज्यादा आसान होता है। ऐसे में फिल्म की असली कसौटी होती है वीकडेज पे उसका कलेक्शन। अब देखना ये होगा कि इस पूरे हफ्ते में सम्राट पृथ्वीराज कितना कमा पाती है। खैर इन सभी आंकड़ों से हम अपडेट करते रहेंगे आपको। जुड़े रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।